This is going to be my last leg in the IPL as captain of RCB. Player of the decade, ODI player of the decade. 80 centuries, 7 double centuries in test, most runs in a test series, fastest to 13,000 runs in ODI. भाई रुक जाओ यार, एक तो इतने सारे रिकॉर्ड्स है किंग कोहली के कि एक सांस में बोला भी नहीं जा रहा है। आज हम लोग उस बंदे की बात करने जा रहे हैं जिसने 15 साल में क्रिकेट को रूल किया है। रन्स तो इन भाई साहब ने इतने मारे हैं जैसे ये स्पोर्ट्स 2007 क्रिकेट गेम चल रहा है। और तो और, इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी विराट कोहली का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पर वेस्ट दिल्ली के इस प्लेयर का करियर हमेशा रजौरी गार्डन में छोले भटूरों की दुकानों की तरह टॉप पे नहीं रहा था। रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे, थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। इंडियन फैंस ने विराट कोहली का करियर, अरे आज विराट ने फिर सेंचुरी मार दी से लेके अरे यार आज विराट फिर डेथ पे आउट हो गया तक देखा है, जो कि उनके क्रिकेट का सबसे लोएस्ट स्टेज था। और अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑलमोस्ट 2022 में रिटायरमेंट का प्लान बना चुके विराट कोहली 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। चलिए शुरू करते हैं। 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू करने वाले विराट कोहली जब सिर्फ 12 रन पे आउट हुए होंगे तो उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि आने वाले कुछ टाइम में वो सचिन तेंदुलकर का मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अनबिलीवेबल अचीवमेंट। 2011 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी विराट कोहली का करियर कुछ खास नहीं चल पाया था, पर साल 2012 विराट कोहली को चेस मास्टर का टाइटल दे गया जब उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट 183 रन बनाकर खुद को साबित किया और इसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट ओवाट में ट्राई सीरीज में 133 रन बनाकर इंडियन टीम को 40 ओवर में टारगेट चेस करा दिया। और इन दो इनिंग्स के बाद विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। And again, there is still time for class and touch, and that's what Kohli has. 2013 में इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताना, 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना और टेस्ट में इंडिया को ओवरसीज टूर पे संभालना, ये सब काम में विराट कोहली टॉप पर रहे। यही नहीं, इस बीच उन्हें इंडियन टीम की कैप्टेंसी भी मिली और उन्होंने तो टेस्ट टीम का माइंडसेट ही बदल कर रख दिया। 2018 में विराट कोहली पहले इंडियन कैप्टन बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मनाया और तो और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में जाके मैच भी जीते। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, विराट कोहली रन भी बना रहे थे, कैप्टेंसी में भी अच्छा कर रहे थे और टीम का एनवायरनमेंट भी मस्त था। और फिर आती है न्यूजीलैंड टूर जहाँ पे विराट कोहली का बुरा वक्त शुरू होता है। न्यूजीलैंड टूर से जस्ट पहले बीसीसीआई बांग्लादेश के साथ एक दो मैच की टेस्ट सीरीज अरेंज कराती है जो कि इंडिया 2-0 से जीत भी जाती है और विराट कोहली 22 नवंबर 2019 को अपने करियर की 70th सेंचुरी भी मारते हैं और इस सीरीज के बाद इंडियन टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाती है। इस टूर को इंडियन टीम स्टार्ट करती है 5-0 से T20 सीरीज जीत कर, पर उसके बाद टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 3-0 से ओडीआई सीरीज और 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद सब लोग विराट कोहली की कैप्टेंसी पर सवाल करने लगते हैं। ऊपर से 3 ओडीआई में कोहली सिर्फ 75 रन और 2 टेस्ट मैच में 38 रन बनाकर आ रहे थे जो कि उनके करियर का सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस था। और फिर इसके बाद होती है कोविड-19 की एंट्री जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट थम जाता है। मार्च में होने वाले आईपीएल को भी सितंबर की विंडो में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसमें भी विराट कोहली 16 मैच में 121 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 466 रन ही बना पाते हैं और अपनी कैप्टेंसी में एक और आईपीएल सीजन हार जाते हैं। और अब टाइम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जिसके लिए इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। इस सीरीज में भी विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए और फिर टेस्ट में इंडियन टीम के 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद वो इंडिया लौट आते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज को इंडिया 2-1 से जीत जाती है और फिर इंग्लैंड से घर पे एक टेस्ट सीरीज खेलती है। इंडिया 3-1 से सीरीज जरूर जीत जाती है पर विराट कोहली 4 मैच में सिर्फ 172 रन ही बना पाते हैं और फैंस को ये समझ में आ जाता है कि वो पुराना विराट कोहली कहीं खो गया है। well
अपने इसी फॉर्म को लेकर विराट कोहली WTC फाइनल्स में पहुंचते हैं, जहां पे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 57 रन बनाए और एक और ICC टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ता है इंडिया को। इसके तुरंत बाद ही इंडिया ने फिर से एक टेस्ट सीरीज खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां पर इंडिया लॉर्ड्स और ओवल में शानदार जीत दर्ज करती है, पर विराट कोहली 4 मैच में सिर्फ 218 रन ही जोड़ पाते हैं। 2021 IPL में कोहली ने फैसला कर लिया था कि ये उनका आखिरी सीजन होगा RCB के कैप्टन के रूप में, और वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद 2021 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के हारने के बाद कोहली ने इंडिया की T20 कैप्टेंसी से भी रिजाइन कर दिया। अपने और टीम की खराब फॉर्म की वजह से परेशान कोहली को तब एक और बड़ा झटका लगा जब उन्हें ODI और टेस्ट कैप्टेंसी से हटा दिया गया, और इसकी वजह बताई गई सौरव गांगुली को। T20 कैप्टेंसी ना छोड़ी है, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। मेंटली इतना टॉर्चर सहने के बाद विराट कोहली का IPL 2022 सीजन सबसे खराब था, जहां पे वो 16 मैच में 341 रन ही बना पाए। इसके बाद इंग्लैंड में हो रहे ODI में भी उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन था और सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें ड्रॉप करने की राय दे चुके थे। अब विराट कोहली को 1000 से भी ज्यादा दिन हो चुके थे शतक बनाए, और अपने इस फेज में उनका टेस्ट एवरेज भी सिर्फ 24 का ही था, जिस वजह से उन पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। अपनी फॉर्म और मेंटल हेल्थ के लिए विराट कोहली इंग्लैंड टूर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और वहां पर डिसीजन लेते हैं कि अगर अब वो अच्छा नहीं कर पाए तो वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। पर भाई, जो एशिया कप में हुआ वो तो मानो भगवान ने खुद कोहली के लिए वो स्क्रिप्ट लिखी थी। एशिया कप के 5 मैच में विराट कोहली 276 रन मारते हैं, और 8 सितंबर 2022 को विराट कोहली अपना 71वां शतक पूरा करते हैं, जिसको पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया था। इसके बाद इंडिया खेलने जाती है T20 वर्ल्ड कप, जहां पे कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 रन की पारी खेल के इंडिया को एक हारा हुआ मैच जिता देते हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट बायलेटरल सीरीज में भी शतक लगा के कोहली जबरदस्त वापसी करते हैं। IPL 2023 में भी RCB के लिए 14 मैच में 2 सेंचुरीज के साथ वो 639 रन जड़ देते हैं, और इसके बाद तो 2023 ODI वर्ल्ड कप में जो विराट कोहली ने किया भाई, उसके लिए तो पूरी इंडिया की तरफ से उन्हें ग्रैंड सैल्यूट है। 11 इनिंग्स में 765 रन बना के उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, और ODI में 50th सेंचुरी मार के उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उनके घर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में उनके सामने ही तोड़ दिया। भाई, इसी को कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। जो बंदा साल भर पहले बैट से बॉल भी टच नहीं कर पा रहा था, आज वो बंदा बड़े बड़े बॉलर्स को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहा है, और शायद इसीलिए उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। और हम लोग वापस आ चुके हैं उस फेस में जहां पर ये कह सकते हैं कि अरे, कोहली ने आज फिर सेंचुरी मार दी। तो किंग कोहली को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।